तो इस वीडियो में बात करने वाले भारत के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी योद्धा की, जिनका नाम है सरदार उधम सिंह। तो यारो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस मूवी के रिलीज़ होने से पहले, यानी कि विक्की कौशल की जो ये मूवी रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है सरदार उधम सिंह, इस मूवी के रिलीज़ होने से पहले क्या आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि सरदार उधम सिंह नाम का एक क्रांतिकारी योद्धा था हमारे देश में? लेकिन आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले सरदार उधम सिंह नाम की जो मूवी रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर, जिसमें कि आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्की कौशल, जो कि देशभक्ति की मूवी बनाने में तो बिल्कुल माहिर हो चुकी है, पहले उड़ी और अब ये, और मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही कमाल की होने वाली, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, इसकी बेसिक सी स्टोरी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे किताबों में तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं है। तो फिर इसकी बेसिक सी स्टोरी क्या है, देखो हमारे जो जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसी पर ये बेस्ड है कि देखो अब जलियांवाला बाग में जो भी इंसिडेंट हो गया, जितने भी लोग मारे गए, हमारे देश के जितने भी इनोसेंट लोग मारे गए ना, उसका बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह, जो कि एक देशभक्त थे, मतलब एकदम कट्टर देशभक्त थे, वो बदला का सोचते हैं कि अब मैं रिवेंज लूंगा जनरल डायर साहब। जनरल डायर कौन था? जनरल डायर जो था ना, वो एक ब्रिटिश का एक ऑफिसर था, अपॉइंटेड ऑफिसर था, जिसने कि ये ऑर्डर दिया था कि सबको शूट कर दो जलियांवाला बाग में, सबको खत्म कर दो। तो फिर उसी से रिवेंज लेने के लिए जो है ना, हमारे सरदार उधम सिंह तैयार होते हो, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस यहाँ से गए इंग्लैंड, लंदन चले गए और वहाँ पर जाके गोली मार दी, बात खत्म। नहीं, इस मूवी में जो है ना, आपको उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है, जो कि सिर्फ कुछ दिनों की जर्नी नहीं, कुछ दिनों का सफर नहीं, बल्कि 21 सालों का सफर, 21 सालों की प्लानिंग के बाद जाकर जो है ना, उन्हें मौका प्राप्त होता है कि वो जाकर अपना बदला ले सके जनरल डायर से। तो फिर इस मूवी में जो है ना, इतना ही देखना है, जो कि सुनने में तो काफी आसान लगता है, काफी इजी लगता है, लेकिन ये उतना ही टफ है। फिर इस मूवी में आपको यही देखना है, जो कि काफी सिंपल लगता है सिर्फ और सिर्फ सुनने में, अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखने जाओगे ना इस मूवी को, देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उतना आसान है नहीं जितना सुनने में लगता है। देखो, ये तो बात हो गई इसकी स्टोरी की, लेकिन अब बात करें इस मूवी की ना, तो फिर इस मूवी में देखो कौन है, इस मूवी में है विक्की कौशल। विक्की कौशल इज इक्वल टू सुपर डुपर एक्टिंग, और खासकर की देशभक्ति की जहां पर बात आ जाती है, वहां पर विक्की कौशल का तो अंदर से खून खौलने लगता है कि अब तो मुझे एकदम बाहर निकालनी है अपनी पूरी एक्टिंग जिंदगी भर की, और वही काम किया उन्होंने इस मूवी में भी, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और खास करके विक्की कौशल का जो लुक दिया गया है ना इस मूवी में, वो काफी ज्यादा सिमिलर लगता है शहीद सरदार उधम सिंह से। तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि क्या मेकअप आर्टिस्ट ने कैसा किया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगता है इन दोनों का फेस अगर आप लोग कंपेयर करने जाओगे तो। और एक्टिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और शायद आपको भी पसंद आएगा, वो है इस मूवी के सिनेरियो, जिस तरीके से सीन्स को क्रिएट किया गया है ना, जो कि बिल्कुल उसी समय का लगता है, यानी कि उसी एरा के बिल्कुल सीन्स लगते हैं, कि वहां से बिल्कुल रिक्रिएट जिस तरीके से किया गया उन सीन्स को, वो काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि उनको देख के लगता नहीं है कि अभी 2020 चल रहा है, लग रहा है कि 1990 या फिर 1940 का समय चल रहा है। और खास करके लंदन के सीन्स को जो है ना, जिस तरीके से इसमें रिक्रिएट किया गया, मतलब भाई साहब लगता है बिल्कुल हॉलीवुड मूवी देख रहा हूं मैं कोई, जिस तरीके से इसके सेट्स है, जिस तरीके से इसमें कॉस्ट्यूम्स को जो है ना रिक्रिएट किया गया, वो बहुत ही कमाल का लगता है, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है, इस मूवी पर खर्चा हुआ है और बहुत ही अच्छे से खर्चा हुआ। साथ ही साथ इस मूवी का जो बीजीएम है वो काफी इंस्पायरिंग लगा मुझे, काफी मोटिवेटिंग लगा, क्योंकि देखो यहां पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गूस बम्स खड़े कर देता, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही शांत था, बल्कि बहुत ही इंस्पायरिंग था, जो कि इस मूवी के हिसाब से ठीक था, क्योंकि इस मूवी का मेन मोटो क्या है, देशभक्त। अब देखो आप मानो या फिर ना मानो, ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन देखो जहां पर भी जो है ना देशभक्ति की बात आ जाती है जिस भी मूवी या फिर सीरीज में, तो फिर वहां पर जो है ना आपको ये मेंटालिटी वाला यानी कि लॉजिक वाला जो सेक्शन है, वो थोड़ा धीरे हो जाता है, यानी कि थोड़ा स्लो काम करने लगता है, क्योंकि जहां पर देश की बात आती है वहां पर देश दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, यानी कि देश है मेरा भाई, उस पर कुछ भी नहीं सह सकते हम लोग। और इसी वजह से जो है ना, अगर ये मूवी खराब भी होती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी खराब है, लेकिन अगर ये मूवी खराब होती ना, तब भी ये मूवी आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी लगती, क्योंकि इसमें देशभक्ति की बात आ जाती है, और देशभक्ति मतलब दिल से दिल का कनेक्शन। अब देखो ये मूवी इंटेंस भी है, फास्ट पेस्ड भी, और इमोशनल भी, यानी कि बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इमोशंस का भी, और क्योंकि ये मूवी फास्ट पेस्ड है तो फिर ये आपको बोर तो नहीं करने वाली, क्योंकि इसके हर एक सीन में जो है ना कुछ थ्रिलिंग सीन्स होते रहते हैं, तो फिर आप लोग एंगेज रहेंगे, और खास करके आप लोग इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ कोई भी मूवी बहुत कम बनती देखने लायक, तो फिर इस मूवी को जरूर देखना, खास करके फैमिली के साथ। तो फिर आशा करता हूं कि इस मूवी को आप लोग जरूर देखोगे, पक्का देखोगे, फैमिली के साथ देखोगे। ये अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर, आज ही के दिन रिलीज हुआ, तो फिर जाकर देखना जरूर, टाइम पास तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, वैसे भी छुट्टियां चल रही है अभी, दशहरा का टाइम है, तो फिर जाकर देख सकते हो। तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो यारो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना, हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।